सोलन के किसान कोरोना काल में बेहद खुश नजर आ रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण है कि उनकी फसल के मुंह मांगे दाम उन्हें मिल रहे हैं। सोलन जिला के सभी किसान बेहद खुश हैं। पहले कोरोना संकट के चलते वे बेहद खौफ में थे और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस बार फसल की मांग होगी, लेकिन समय के साथ टमाटर की फसल भी मांग पकड़ती जा रही है और मांग बढ़ने से टमाटर के अच्छे दाम उन्हें मिल रहे हैं। शुरुआती दौर में टमाटर का क्रेट 300 रुपये तक बिका, लेकिन कुछ दिनों में रेट दुगने मिलने शुरू हो गए हैं और अब चार गुना तक पहुंच गए हैं। ये जानकारी सोलन एपीएमसी के सचिव डॉक्टर आर के शर्मा ने दी। शर्मा ने बताया कि टमाटर के दामों में आए उछाल का सबसे बड़ा कारण नासिक का टमाटर खत्म होना है और समतल क्षेत्रों का टमाटर भी खत्म होने की कगार पर है, जिसके चलते सोलन के टमाटर की मांग अचानक पकड़ने लगी है और बढ़ गई है, क्योंकि सोलन में भी पहले के मुकाबले टमाटर कम हुआ है, इसलिए टमाटर के रेट बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी को इससे परेशानी झेलनी पड़ रही है, लेकिन सोलन का किसान इससे बेहद खुश है। उन्होंने बताया कि सोलन की मंडी में प्रतिदिन करीब 2000 क्रेट टमाटर के पहुंच रहे हैं। जैसे टमाटर के दाम बढ़ रहे हैं, किसानों के लिए तो बेहद खुशी वाली बात है, लेकिन कंज्यूमर के लिए थोड़ी सी ये डराने वाली बात है। तो इसके टमाटर के रेट बढ़ने के पीछे एक तो कारण ये है कि मैक्सिमम बायर्स जो हैं हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं, और बाहर से जो नासिक और गुजरात का टमाटर आता था वो कम मात्रा में आ रहा है, और मुझे लगता है कि यही मुख्य कारण है रेट बढ़ने का, कि डिमांड बढ़ी है लेकिन सप्लाई थोड़ी अब कम भी हो रही है। लगभग 2000 से क्रेट से ऊपर रोज का क्रेट मंडी में आता है,